जब मैं जगन्नाथ मंदिर और मुझे प्रसाद मिलता है वहाँ जगन्नाथ मंदिर दर्शन आज करेंगे इसमें, और साथ ही में बाहर प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पर, और मंगलनाथ मंदिर के बाद सप्तऋषि मंदिर पर यहाँ के दर्शन करने के बाद हम सप्तऋषि मंदिर के भी दर्शन प्राप्त होंगे आज। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन सावधानी से चलो आगे चलो बने रहिएगा आप आगे से पूरे
परिक्रमा करने के लिए प्राप्त होते हैं। वो भी दर्शन आपको आइए यहाँ पर होंगे। अब हम पृथ्वी माता का मंदिर भी है यहाँ पर, उसका दर्शन करेंगे। कहा जाता है इनकी ये परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। देखिए आप यहाँ भुवनेश्वरी पृथ्वी माता मंदिर है, इनकी परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। माता का अद्भुत दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आइए हम भी परिक्रमा करते हैं माता रानी की। और इतना अद्भुत नज़ारा और अद्भुत दर्शन और अद्भुत पुण्य मिले तो हर कोई लेना चाहेगा। और यहाँ पर भोलेनाथ जी के शाम के श्रृंगार की तैयारी की जा रही है। मंगलनाथ बाबा के शाम के आरती होगी, उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी मंदिर का कार्य चल रहा है, शिखर एक नया शिखर ऊपर और बड़ा बन रहा है अभी, और भीड़ अभी भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर। देखते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, हम थे तब तो कम थी, अभी और ज़्यादा है। पूरे यहाँ से मंदिर के सामने की साइड का भी है, पूरा इधर से नीचे जाने का रास्ता है। मंदिर के जस्ट पहले गणेश जी महाराज, श्री गणेश, भीड़ काफ़ी अभी भी यहाँ तक लाइन लगी हुई है। अब चलते हैं नीचे की ओर वापस। ये पूरा मंदिर का आगे का फ्रंट व्यू है ऊपर से, पानी के कारण काफ़ी गीला हो रहा है तो पाँव फिसल रहे हैं। यहाँ बीच में चढ़ाव भी है, चढ़ाव से भी जा सकते हैं। यहाँ पर पूजा भी होती है मंगलवार के दिन, मंगल दोष वगैरह जो भी पूजा होती है वो यहाँ पर मंगलवार के दिन होती है। आप यहाँ आकर करा सकते हैं। पंडित जी के नंबर वगैरह सारी डिटेल भी यहाँ दी गई है, कौन सी पूजा कब कैसे क्या होती है सारा यहाँ पर आप करा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर का फ्रंट व्यू भी यहाँ साइड में है, यहाँ पर चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है। ये देखिए सामने चिड़ियाओं के लिए यहाँ पर एक घर बनाया गया है जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है यहाँ पर। अब हम आ गए हैं वहीं से, थोड़ा सा पास में सप्तऋषि मंदिर है, थोड़ा सा आगे मंदपाप चौराहे तक आते हैं तो यहाँ पर हम सप्तऋषि मंदिर के दर्शन करते हैं। वीडियो मैंने थोड़ा सा काट दिया है बीच में से। आइए भोलेनाथ, यहाँ पे दो शिवलिंग है, सप्तऋषि जो हैं उनके दर्शन होंगे, उनकी चरण पादुका के दर्शन होंगे। और यहाँ पे दो शिवलिंग है, दिव्य दर्शन होते हैं शिवलिंग के। और यहाँ पे कहा जाता है श्राद्ध में दीप चढ़ाने से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में शांति बनी रहती है। तो आप भी यहाँ आए तो ज़रूर आए, यहाँ दीप चढ़ाने चार बजे बाद दूध चढ़ाने नहीं दिया जाता, उसके पहले आप चढ़ा सकते हैं। उसी के जस्ट सामने जटेश्वर महादेव, 24 महादेव और 84 महादेव में से 24वीं महादेव जटेश्वर महादेव, भगवान प्रभु के दर्शन काफ़ी आराम से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ पर। सप्तऋषि मंदिर है यहाँ पर, आप आइएगा, अच्छा है ये। यहाँ पर भी काफ़ी लोग यहाँ पर भी आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर दीप चढ़ाने से अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। उनका चौराहे से जस्ट पास में ही है। जय श्री राम।